हे गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कहिए कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, मतलब आपका बच्चा सिर नीचे कर लेता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो तब आपको आपके बच्चे की मूवमेंट कहाँ पर फील होती है, आपको आपके बच्चे की हलचल कहाँ पर महसूस होती है, ताकि तब आप इजीली पहचान सके कि आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है। तो फ्रेंड्स, कुछ मेरा क्वेश्चन रहता है कि मैम मुझे राइट साइड फील होती है, मुझे लेफ्ट साइड फील होती है, मुझे नीचे फील होती है, मुझे ऊपर फील होती है, तो आपके सारे डाउट इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपके बच्चे ने 34 वीक से 36 वीक तक हेड डाउन पोजिशन नहीं की, तो डोंट वरी फ्रेंड, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो जाता, तब तक आपका बच्चा हेड डाउन पोजिशन कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी ऐसी यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें, ताकि मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, तो उस टाइम आपको बच्चे की हलचल आपके पेट के ऊपरी हिस्से में फील होगी, या जो आपका नाभि का आसपास का एरिया है वहाँ पर फील होगी। वो क्यों होती है फ्रेंड, जब आपका बच्चा हेड फिक्स कर लेता है पेल्विक फ्लोर पर, तो आपको बच्चे की जो पैरों की हलचल उस टाइम महसूस होती है, आपको हाथों की हलचल महसूस होती है, तो बच्चे की जो पैर होती है वो ऊपरी हिस्से में आ जाते हैं, मतलब आपके ब्रेस्ट एरिया के आसपास बोल सकते हैं, आपके जो नाभि एरिया होता है आपको वहाँ पर बच्चे की हलचल महसूस होती है। इसके साथ ही फ्रेंड, जो बच्चे की हलचल होती है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ पूरी हो जाती है, तो बच्चे को इतनी जगह भी नहीं मिल पाती कि बच्चा अच्छे से हलचल कर सके, और बच्चे का सिर नीचे फिक्स हो जाता है, तो इसी वजह से बच्चे के हाथ या पैरों की हलचल होती है, और इसी वजह से आपको बच्चे की हलचल पेट के ऊपरी हिस्से में या आपके जो नाभि का एरिया होता है आपको वहाँ पर महसूस होती है। और फ्रेंड, जब आपका 8वां या 9वां महीना लग जाता है, मतलब आपका अगर 9th मंथ शुरू हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि बच्चा की जो है पोजीशन होती है वो चेंज करने के कम चांस होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे का सिर इतना भारी हो जाता है, शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि बच्चा आसानी से ज़्यादा पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, और साथ ही फ्रेंड्स, जो बच्चे की हलचल होती है वो हलचल भी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कम होने का मतलब इतना नहीं कि आपको बच्चे की हलचल सिर्फ 2 या 3 बार महसूस हो। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना, जब भी आपका प्रेगनेंसी 8वां या 9वां महीना, आपको आप बच्चे की हलचल पर स्पेशल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि कई महिलाओं को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, क्योंकि वो हलचल को नहीं महसूस कर पाती, वो ये समझ जाती है कि 9th मंथ शुरू हो गया, चलो अभी हलचल महसूस नहीं होती क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको आपके बच्चे की हलचल को काउंट जरूर करते रहना चाहिए। आप जब लेटती हैं तो आपको तब महसूस करना चाहिए, अगर आप सोते टाइम नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, आप पूरे दिन में जब आप लेटती हैं तो उस टाइम आप अपने बच्चे की हलचल जरूर महसूस करें, तो कम से कम 15 से 20 बार आपके बच्चे की हलचल महसूस आपको जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो बच्चे की हलचल होती है वो आपकी प्लेसेंटा होती है उस पर भी डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो इसका मतलब आपको बच्चे की हलचल ज़्यादा महसूस होती है। वो फ्रेंड्स क्यों होती है, क्योंकि जो बच्चे के हाथ पैर होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके पेट के हिस्से की तरफ होते हैं, अगर आपके पेट के जो भारी हिस्से की तरफ होते हैं, तो इसका मतलब आपको बच्चे के हाथ पैरों की हलचल होती है वो आपको ज़्यादा महसूस होगी। और इसके अपोजिट फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे की जो प्लेसेंटा होता है वो एंटीरियर है, तो इसका मतलब आपको बच्चे की हलचल कम महसूस होगी, क्योंकि फ्रेंड्स उस टाइम क्या होता है कि जो बच्चे के हाथ पैर होते हैं वो आपकी पीठ की साइड होते हैं, उसका फेस पीठ की तरफ होता है, तो इसकी वजह से आपको बच्चे की हलचल कम महसूस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक रीज़न होता है बच्चे की हलचल कम महसूस होने का। तो आई होप फ्रेंड्स कि बच्चे की हलचल को लेकर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि 8वें और 9वें महीने के अंदर बच्चे की हलचल कम महसूस होती है, लेकिन आपको कितनी बार महसूस होनी चाहिए, और अगर आपके बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है तो आपके बच्चे की हलचल आपको कहाँ महसूस होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर दबा लें, ताकि मैं तब भी कोई न्यू वीडियो डालो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।